सभी को नमस्कार गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम लोग आज का जो एडिटोरियल अपना जो 12 मार्च का है वो उसको करने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि एक स्कैंडल पे जुड़ा हुआ है, जो कि एक सेक्स टेप लीक हुई थी बेसिकली एक साउथ में एक मिनिस्टर की, उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट का जजमेंट आया है, कोर्ट का जो ऑमनीबस ऑर्डर आया है उसके रिगार्डिंग हमें जज करना है कि ये क्या चीज़ क्या सही है, क्या इसके प्रॉस है, क्या इसके कौन से, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डेडिकेटेड हैं। और इसके क्या बेनिफिट है एक जजमेंट के, और उसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कि जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको प्रॉस कह सकते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम लोग कॉन्स कह सकते हैं, राइट। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जो एडिटोरियल का जो टाइटल है दैट इज स्कोप फॉर स्कैंडल, है ना, इस प्रकार के अन कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग मीडिया, ठीक है। रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है, अगर आप देखोगे आप लोग तो यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट एडजेक्टिव कंट्रोलिंग लिमिटिंग रेनिंग होता है, कंट्रोल करना एक तरह मीडिया को, क्या करना, कंट्रोल कर देना, ठीक है। और स्कोप का मतलब क्या हो गया एक तरह से, आपको स्कोप को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्कोप का मतलब होता है एक कोई किसी तरह की गुंजाइश से जो है ना, गुंजाइश करना, मतलब स्कैंडल का उन्होंने एक गुंजाइश कर दिया है मीडिया, और ये किसके ऊपर हो रहा है, मीडिया को रोकने के रिगार्डिंग हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि साउथ के एक मिनिस्टर ने जो है का एक एक्चुअली एक टेप लीक हुआ था जिसमें एक महिला के साथ उनकी कन्वर्सेशन थी किसी डील के रिगार्डिंग, एक्चुअली जॉब के रिगार्डिंग, उनसे कुछ ऐसी डिमांड की गई थी जो कि बहुत ही पथेटिक थी। तो वो उस वीडियो में रिकॉर्डेड है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मिनिस्टर को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है। तो उस पर कोर्ट ने जो है ना ऐसी टेप्स को चलाने के लिए जो बैन कर दिया है, और ये ऑर्डर दे दिया कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो सारे के सारे जो ऐसे ट्रेप चलाने से पहले गवर्नमेंट से एक बार पूछेंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। तो मीडिया हाउसेज का इस पर ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट से अगर परमिशन लेंगे तो गवर्नमेंट उन केसेस की परमिशन कभी नहीं देगी जो उसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुद ही हैं, राइट। तो ये चीज़ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक जो हमारा वर्ड है हमारा ओमनीबस, ओमनीबस का मतलब होता है जर्नलाइज करना, है ना। ओमनी का मतलब होता है एक्चुअली सब, ठीक है। और ओमनी बस एक प्रकार की बस भी होती है जिसमें माल भी ढो सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। वैसे आपको पता है इससे मिलते जुलते जो शब्द मिलते हैं गाइज वो आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि एक तो ओमनी प्रेजेंट मिलता है, ठीक है ना, PRESENT ओमनी प्रेजेंट मिलता है, ओमनीसिएंट मिलता है गाइज OMNSCIENT ओमनीसिएंट मिलता है, नेक्स्ट मिलता है हमारा एक ओमनी पोटेंट, ओमनी लिखा होगा और पोटेंट लिखा होगा, ठीक है। तो ओमनीसिएंट मतलब होता है गाइस वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीप्रेजेंट मतलब वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीपोटेंट वन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है। ओमनीसिएंट, ये सारे वर्ड जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। ओमनीबस ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया शुड नॉट एंड अप एज ए टूल हैरेसमेंट, ठीक है भाई। जो ये कोर्ट का जो ऑर्डर है जो कि एक जर्नलाइज ऑर्डर है, ठीक है ना, एक ऐसा ऑर्डर है, इसको टूल नहीं बनाना चाहिए, इसको हथियार नहीं बनाना चाहिए। किस चीज़ का हथियार नहीं बनाना चाहिए गाइस? तो भाई हथियार नहीं बनाना चाहिए हैरेसमेंट का, मीडिया हाउसेस का हैरेसमेंट का हथियार नहीं बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अनफॉर्चुनेट होता है इसका मतलब, ठीक है ना। इट इज़ क्वाइट रिग्रेटेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ क्वाइट रिग्रेटेबल लीक्ड फुटेज प्रोपोर्शनली शोइंग, क्या शो कर रही है, प्रोपोर्शनल शोइंग देम इन ए इंटीमेट प्रॉक्सिमिटी विद वुमन, भाई ये काफ़ी रिग्रेटेबल है। रिग्रेटेबल को अगर हम कहें तो भाई डिसअपॉइंटिंग है या अनफॉर्चुनेट है। डिसअपॉइंट को वैसे आप लोग होपलेसनेस भी कह सकते हो, वैसे इसका एक नेगेटिव वर्ड हम कह सकते हैं हैपलेस टाइप का, जो अभागा होता है उसको हैपलेस कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है दैट पॉलिटिशियन आर ऑफन हिट बाई स्कैंडल्स अराइजिंग फ्रॉम लीक्ड फुटेज, ठीक है ना। पॉलिटिशियंस जो है ना ओपनली मतलब हर लगातार, मतलब कि ऐसी इसमें कोई गैप नहीं है, कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई खबर जो है ना इस तरह की लीक्ड फुटेज जो है वो आती रहती है कहीं ना कहीं से, ठीक है, किसी ना किसी वुमेन के उससे, ठीक है। तो इसमें जो राइजिंग फॉर्म लिखा हुआ है इसका मतलब हम देखें तो इसके दो तीन मतलब होते हैं। एक तो राइज फ्रॉम का मतलब होता है Rise from, emerge from या stem from या originate from, तीनों का मतलब चारों का मतलब एक ही होता है, शुरू होना, ठीक है ना। तो तीनों चारों का मतलब एक ही है, तीनों चारों से from preposition का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ें तो the latest episode involves, जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, क्या चल रहा है, former Karnataka minister रमेश जारकिओली, ठीक है ना, जो कर्नाटक के जो एक मिनिस्टर रहे हैं रमेश जारकोली,
फॉर्मर मतलब पहले वाले, लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाले जो मिनिस्टर रहे हैं, मतलब अभी नहीं है वर्तमान में, हु रिजाइंड इन द वीक ऑफ विजुअल्स एलिगली शोइंग हिम इन सच सिचुएशन, इन द वेक ऑफ मतलब लिखा हुआ है, उन्होंने अभी रिसेंट उन्होंने रिजाइन कर दिया। हु जो है यहाँ पे गाइस एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने आगे जैसा भी सब्जेक्ट देखता है उसी के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब लेता है। तो आगे रमेश की बात हो रही है तो पीछे रिजाइन उन्हीं की पोस्ट की बात हो रही है कि उन्होंने उस पोस्ट से जो है वो रिजाइन दे दिया है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है गाइज, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर क्या है, आफ्टर मतलब किस चीज़ के बाद में, इन द वेक ऑफ के मतलब जो ये विजुअल्स आए हुए हैं, जो ये वीडियोस आई हुई हैं जिस पर एलीग कर रहे हैं उनको, मतलब कि इस पर आरोप लगा रहे हैं, शोइंग हिम शो कर रहे हैं, क्या कर रहा है, शो कर रहा है ऐसी सिचुएशन को, किस सिचुएशन को भाई, कि वो किसी महिला से जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं और किसी प्रकार के कन्वर्सेशन में जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की डील चल रही है, ठीक है। स्पेक्यूलेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर सच कॉम्पैक्ट डिस दैट कुड सरफेस इन द मीडिया has resulted in a lawyer BJP member, ठीक है भाई। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन का तो बिलीफ है या गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकता हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे सच, ऐसे और भी बहुत सारे टेप्स होंगे या ऐसे बहुत सारी ऐसी CDs होंगी। CD का मतलब एक्चुअली कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो यहाँ पे जो CD लिखी हुई है उसका मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क ही है। दैट कुड सरफेस इन द मीडिया हाउस में चल सकता है या फैल सकता है। Has resulted in a lawyer and BJP member. वो और वो इसका परिणाम क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला, दैट उसी का जो दोस्त था, जो रमेश जो था उसका जो दोस्त है, एक BJP का मेंबर है उसका दोस्त और एक कोई लॉयर है, उसने हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। और क्या ऑर्डर ले लिया वो देखते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड अबाइड स्ट्रिक्टली बाई द प्रोग्राम ऑफ कोर्ट प्रिस्क्राइब अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, ठीक है भाई। उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है कि ये जो अभी अभी जो ये जो ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि भाई कोई भी टेप इस प्रकार की होगी तो सभी को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लोगी लेनी होगी, एंड देन आफ्टर देन इन द वीक ऑफ दैट ऑर्डर दे शुड अलाउ टू शो दैट वीडियो ऑन टेलीविज़न और इन समवेयर एल्स, ठीक है। मतलब कि ये जो हो रहा है, ये जो स्पेक्टुलेशन जो हुआ है ना, ये जो ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तुक्का लगाया जा रहा है कि भाई ऐसे और भी सीढ़ियाँ बहुत सारी बाहर आ सकती हैं उस व्यक्ति को लेकर के जिसकी सीढ़ी एक बार चला दी गई है टीवी पर, और जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉपुलर हो गया है या फेमस हो गया है नेगेटिव चीज़ों के लिए, है ना। तो हो क्या रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिया है, और ऑर्डर ये है कि भाई जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट है उसके तहत जो गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है, क्या प्रिस्क्राइब किया है मतलब जो मैंडेट किया है, जो रूल निकाला है, ठीक है ना, उसको अबाइड बाई किया जाए। अबाइड बाई का मतलब क्या होता है गाइज, देखो अब बाई का मतलब वैसे यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, वैसे अबाइड बाई जो होता है ना, तो अबाइड बाई के कई सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली बाई, अबाइड बाई, ठीक है ना, ये सारे एक ही बात है इनके सब। स्ट्रिक्टली बाई का मतलब भी वही है सेम, अबाइड बाई का मतलब वही है, ठीक है। About 70 media organization including television channels, social media platforms and digital media outlets and newspaper have been arrayed and responded. इस जो उन्होंने हाई कोर्ट से जो ऑर्डर लिया है कि भाई ऐसी उसके आने वाली अगर मान लो ऐसी कोई क्लिप आ जाती है तो ऐसी क्लिप को ना चला जाए, उसमें उन्होंने 70 मीडिया हाउसेज का जिक्र किया है इंक्लूडिंग टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जहाँ पर इस चीज़ को ना चलाया जाए ताकि वो और ज़्यादा मतलब नेगेटिव ना हो या लोगों के बीच में उसकी बात ना फैले, ठीक है। आगे क्या कह रही है, हाँ जी, इसमें दो तीन वर्ड्स गए देख लेते हैं। एक तो एरे वर्ड है, एरे का मतलब अरेंज करना या डिस्प्ले करना भी होता है, डिस्प्ले ना किया जाए, ठीक है। अच्छा, द ऑर्डर इज अनएक्सेप्शनल, द ब्रॉडकास्ट मीडिया आर एक्सपेक्ट टू कन्फर्म टू द कोड। जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अनएक्सेप्शनल है, यानी कि विदाउट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट है। वैसे तो जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बाकी ऐसे ऐसे ऑर्डर्स को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न जो होता है वो बेसिकली इन सब चीज़ों को देखने के लिए नहीं होता है। टेलीविज़न छोटे बच्चे भी देखते हैं, वो ये सब देखेंगे तो उनसे डेफिनेटली कोई अच्छी चीज़ वो नहीं सीखेंगे। इसलिए ये जो ऑर्डर है ये अनएक्सेप्शनल है, ये बिल्कुल क्या है, अनएक्सेप्शनल का मतलब क्या, अप्रोप्रिएट है, विदाउट क्वेश्चन, ये सही माना जाएगा इसको तो, ठीक है। द ब्रॉडकास्ट मीडिया आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू द कोड,
है ना, ब्रॉडकास्ट जो मीडिया है, जो जितना ये सब कुछ पब्लिश करते, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो, ठीक है, आर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है ये, टू कन्फर्म द कोड. इस कोड को जो जो गवर्नमेंट ने इशू किया ना, जो कोर्ट ने इशू किया है, इस कोड को जो है वो कन्फर्म किया जाए, मतलब कि ये लागू करें वो खुद से ईमानदारी से, इसको फॉलोअप करें, ठीक है. तो इसको अगर आप देखो, कन्फर्म टू का मतलब होता है गाइस, कन्फर्म टू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू होता है इसका मतलब, ठीक है, हिसाब से होना या तरीके से किसी चीज़ को होना, मतलब जो कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए हैं उस कोर्ट को ये लोग जो है वो मतलब कि कन्फर्म करें, उसको रूल बाय रूल फॉलोअप करें, ठीक है. हाउएवर, हालांकि, व्हेन सच ऑमनीबस ऑर्डर इज पास्ड, जब कभी भी इस प्रकार का जनरलाइज ऑर्डर पास किया जाता है, इट कुड बिकम अ टूल ऑफ हरेसमेंट. तो इस प्रकार का ना हरेसमेंट का टूल भी मीडिया हाउसेस के लिए बन सकता है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने फायदे के लिए किसी मीडिया हाउस को परेशान कर सकती है, या उसको टेक ओवर कर सकती है, या बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है. तो टूल ऑफ हेरासमेंट भी बन सकता है इस प्रकार का जन ऑमनीबस ऑर्डर. गवर्नमेंट को या कोर्ट को जो है वो इस प्रकार का ऑमनीबस ऑर्डर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑमनीबस ऑर्डर देने से उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जो सरकार को झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ कह रहा है क्या, आगे कह रहा है, अंडर द एक्ट, इस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस कमिश्नर आर द ऑथराइज ऑफिसर्स टू इंश्योर द प्रोग्राम कोड इज नॉट ब्रीच्ड. भाई इस एक्ट में जो है, ये जो एक्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा ना, केबल टेलीविजन एक्ट, इसमें ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो डीएम है, जो सब एसडीएम है, और जो पुलिस कमिश्नर है, ये बेसिकली ऑथराइज ऑफिसर होंगे इस बात के इंश्योर करने के कि ये जो प्रोग्राम कोड है ये इसका ब्रीच ना हो. ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक ना हो, एक तरह से टूटे ना, ब्रोक ना हो, या वॉलेट ने जो गवर्नमेंट जो कोर्ट ने जो रूल दिया वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब ये लोग कन्फर्म करेंगे. इवन द बेंगलोर पुलिस कमिश्नर हैज़ ऑल्सो इशूड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द ब्रॉडकास्टिंग और एनीथिंग दैट ब्रीचेज द कोड. यहाँ तक कि जैसे ही कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया, तो बेंगलोर पुलिस कमिश्नर जो थे, उन्होंने तुरंत एक नोटिस इशू कर दिया. क्या इशू कर दिया, जिसमें वो प्रोहिबिट कर रहे हैं, ये एक प्रकार का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा हुआ इसमें, क्या कि ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एनीथिंग दैट ब्रीचेज द कोड, मतलब इस प्रकार की कोई भी अगर ब्रॉडकास्टिंग होती है जो उस कोड को ब्रेक करेगी या ब्रीच करेगी, तो हम उसको थाने में लेके आएंगे और उससे हम लोग इंटरोगेट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है. तो प्रोहिबिटिंग जो है ना, वो रोकना होता है, ठीक है, प्रोहिबिट करना मतलब रोकना, एक तरह से बैन कर देना उसको. आगे बढ़ते हैं जरा, द कोड विच इज़ पार्ट ऑफ ए केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स. ये जो कोड जो गवर्नमेंट जो कोर्ट ने अभी अभी दिया है, ये केबल टेलीविजन नेटवर्क का ही एक हिस्सा है, इज वाइडली वर्डेड, ठीक है. वाइडली वर्डेड मतलब कि इसी को काफ़ी ब्रीफ करके इसको समझाया गया है, फॉर इंटेंस और एनीथिंग दैट ऑफेंड अ गुड टेस्ट ऑफ डिसेंसी और अमाउंट टू द क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज आर वायलेशंस. अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ना आपका, इसमें देखो एनीथिंग सब्जेक्ट है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के आगे लिखा हुआ है दैट लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो वर्ब आगे आ रही है वो आर आ रही है, जो कि गलत है. यहाँ पे इज होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली दो गलतियाँ हैं, यहाँ पे वायलेशन भी सिंगुलर आना चाहिए, वायलेशन होना चाहिए, एनीथिंग इज वॉयलेशन, ठीक है, एनीथिंग दैट ऑफेंड गुड टेस्ट ऑफ डिसेंसी. भाई ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी डिसेंसी के टेस्ट को ख़राब करती है, मतलब आप टीवी किस लिए देखते हैं, अच्छे टेस्ट के लिए देखते हैं या अच्छी चीज़ें देखते हैं, है ना, टेस्ट का मतलब यहाँ पे अच्छी चीज़ें देखने से, आपके व्यू पॉइंट से, ठीक है. अमाउंट टू क्रिटिसिज्म फ्रेंडली, है ना, अमाउंट टू का मतलब क्या हो जाता है, एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग पहले. अमाउंट टू का मतलब होता है बी इक्वल टू, मतलब कि क्रिटिसिज्म के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें वॉयलेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो आप टेलीविज़न देखते हो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें देखने के लिए, अगर वो वहाँ पे ख़राब चीज़ें डाल रहे हैं या गंदी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप क्या देखोगे और क्या सीखोगे, और उसमें जो बच्चे देख रहे हैं वो क्या सीखेंगे, ठीक है. आगे कह रहे हैं, इट इज़ कंसिडर्ड, तो इस सेंटेंस में वैसे भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक ये आर्टिकल में ही प्रिंटिंग मिस्टेक थी. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड डिफेमेशन, ये एक तरह की बदनामी या डिफेम भी करता है एक तरह से. डिफेम का मतलब क्या होता है, किसी को बदनाम करना, टू थ्रो मड ऑन सम बदर. तो इसका सब्जेक्ट जो है वो इट है, उसका जो वर्ब है वो कंसिडर्ड है, ठीक है. इसकी जो पूरे आर्टिकल की जो टोन है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, काफ़ी ज़्यादा वॉरिंग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंसिडरिंग है, मतलब कि चिंता का विषय है, जो कोर्ट ने ये एक तरह का ऑमनीबस ऑर्डर दिया है. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड डिफेमेशन, हाफ ट्रूथ्स
इन्यूनेंडो एंड पोटेंशियल वायोलेशंस क्या करे, ये डिफिनेशंस को डिफेम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हिंट देता है या आरोप लगाता है और जो पॉसिबल वायोलेशंस हैं उसको, इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ऑर्डर इट मे बी अनसेफ टू लीव सच मैटर्स टू द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑथराइज ऑफिसर्स। ये बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है इस प्रकार के मैटर को डिस्क्रिमिनेशन से और ऑथराइज ऑफिसर्स के भरोसे छोड़ना, ठीक है। मतलब ये डिस्क्रिशन का मतलब जजमेंट होता है या प्रूडेंस भी होता है, ठीक है। अ की कंसिडरेशन टू डिसाइड ऑन द कंटेंट ऑफ एन ब्रॉडकास्ट दैट मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, अ की कंसिडरेशन, एक जो मुख्य जो कंसिडरेशन है, मुख्य जो पहलू है, ठीक है, टू डिसाइड, सोचने का, द कंटेंट ऑफ एन ब्रॉडकास्ट, द कंटेंट ऑफ एनी ब्रॉडकास्ट, जो किसी भी ब्रॉडकास्ट का जो कंटेंट होगा दैट मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, इज वेदर इट टचेज अपॉन एनी पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। वो ये कोई मतलब कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट उसका है कि नहीं है या वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है कि नहीं है, ये डिसाइड करना जो ना एक कंसिडरेशन का है, ये की कंडीशन की कंसिडरेशन का एक मुद्दा है। इन दिस केस, इस केस में इट इज़ नॉट मेयरली द प्राइवेट मूवमेंट ऑफ सर्विंग मिनिस्टर बट हिज पब्लिक कंडक्ट दैट इज़ अंडर स्क्रूटनी। इट इज़ नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब अगर गाइज हम देखें तो मेयरली के क्या मतलब निकलता है, स्क्रूटनी का मतलब देख लो आप लोग, पहले तो स्क्रूटनी का मतलब होता है गाइज इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, और मेयरली का मतलब होता है जस्ट या ओनली, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट प्राइवेट मूवमेंट, ये जो मिनिस्टर ने जो उस औरत के साथ किया वो एक प्राइवेट मूवमेंट नहीं था, क्योंकि उसने उसके साथ एक डील की थी, कि डील ये थी भाई अगर आप जॉब दे दोगे तो उनके बीच में इस प्रकार की जो डील सेंशन हुई थी, तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये उसका प्राइवेट मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है, लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने जो है वो सोचा, ये कोर्ट ने सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखा इसमें, वो ये कि भाई इस प्रकार की चीज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को, मीडिया हाउसेस का काम क्या है, मीडिया हाउसेस का काम है लोगों को अवेयर कराना, और उस मिनिस्टर ने जो है ये उस मिनिस्टर का कोई प्राइवेट मूवमेंट नहीं था, मतलब कि ये पब्लिक मूवमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि उसने इसके साथ एक डील सेंशन की या उसको उसने जो है वो धोखे में रखा। आगे अगर हम बात करें, बट हिज पब्लिक कंडक्ट दैट इज अंडर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, इन्वेस्टिगेशन अप्रूव, ठीक है, दैट ही एंड अदर्स सेड टू बी अ कंटेम्पलेटिंग प्रिवेंटिव लीगल एक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर रिलीज ऑफ सच फुटेज वर डिफेक्टर्स हु ब्रॉट अबाउट टू द फॉल ऑफ द जेडी कांग्रेस गवर्नमेंट नॉट लॉन्ग अगो। भाई इसमें देखो आप लोग जरा ध्यान से, ही एंड देखो ये जो दैट है ना गाइस, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, और वुड इम्पैक्ट, दैट वुड इम्पैक्ट, ये इसकी वर्ब है, बीच में जो लिखा हुआ है ये आगे के मतलब उसके और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ही एंड अदर सेड, ये इसका वर्ब जो है वो इसके लिए आ रहा है, ही एंड सेड के लिए, ये सब्जेक्ट है आपका, ये अलग है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, वो मैं आपको देख लेता हूँ, कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है थिंकिंग या कंसिडरिंग, प्रिवेंटिव लीगल एक्शन, भाई दैट ही एंड अदर सेड टू बी कंटेम्पलेटिंग प्रिवेंटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर रिलीज ऑफ सच फुटेज। भाई इसमें जो इनके जानकार है वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के कोई भी फ्यूटेज आती है और कोई इस प्रकार की कोड को ब्रीच करता है या तोड़ता है, ऑर्डर को फॉलोअप नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। फुटेज हुवर डिफेक्टर्स, डिफेक्टर्स का मतलब क्या होता है, डिफेक्टर का मतलब होता है टर्न कोट, जो ना भाई देखो डिफेक्टर का मतलब होता है गाइस टर्न कोट, टर्न को मतलब कोट का मतलब होता है जो अपनी पार्टियां बदल लेता है, जिस व्यक्ति ने, जिस एक्चुअली क्या है, ये जो रमेश जिसके अगेंस्ट ये सारा का सारा मामला चल रहा है, वो अभी हफ्तों पहले ही ना वो कांग्रेस का मेंबर था, ठीक है ना, हफ्तों पहले ही कांग्रेस का मेंबर था, इसमें लिखा हुआ है देखो नॉट लॉन्ग अगो, मतलब ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है कि ये किसका मेंबर था, ये कांग्रेस का मेंबर था, और बाद में इसने जब बीजेपी की हवा चली तो इसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया,
तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही डिफेक्टर है, जो किसी पार्टी का नहीं है, जो सिर्फ जीतने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी यहाँ जो है वो बदलता रहता, उसके ऐसा आदमी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसके बारे में इसको और कहा गया है। आगे अगर हम बढ़े थोड़ा सा और आगे, तो वुड इम्पैक्ट एपिसोड ऑफ ए डीपर कॉज ऑफ थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द वुमन और इवन एनी नॉलेज अबाउट हर, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव एनी रॉन्ग डूइंग। भाई देखो क्या कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा है देखते हैं जरा। विद द डीपर कॉज ऑफ थ्रू थॉरो इन्वेस्टिगेशन, सॉरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के मतलब कि या डिटेल इन्वेस्टिगेशन के कॉज में, ठीक है, या डिटेल इन्वेस्टिगेशन से इन द एब्सेंस एनी कंप्लेंट, या किसी कंप्लेंट की एबज में, या किसी कंप्लेंट की कमी में, मतलब किसी ने कंप्लेन की ही नहीं एक्चुअली, या उस वुमेन ने कंप्लेन की ही नहीं, और इवन एनी नॉलेज अबाउट हर, ना ही उसके बारे में कोई नॉलेज है कि वो महिला कौन थी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव एनी रॉन्ग डूइंग। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये प्रूव करना कि उसने गलती क्या की या कौन उसको मानेगा। एक्चुअली टेप तो लीक हो गया, सबने टेप को दिखा भी दिया, लेकिन वो महिला कौन थी जो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा रही थी, ठीक है, या बाकी चीज़ें क्या थी कैसे थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसकी रॉन्ग डूइंग्स को यानी कि उसकी जो गलतियां उसको बताने में जो है ना वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड नॉट इवन पब्लिक इंटरेस्ट कैन जस्टिफाई, और पब्लिक का इंटरेस्ट है इसमें या पब्लिक इंटरेस्ट था इसमें, ये जस्टिफाई जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनी वन ऑफ द डिपिक्शन ऑफ द वुमन इन डेरोगेटरी मैनर। फ्रेगरेंट का मतलब होता है गाइस, क्या होता है फ्रेगरेंट का, होता दिखाता हूँ आपको मैं, ब्रेजन होता है या शेमलेस होता है, ठीक है ना, मतलब शर्मनाक तरीके से ब्रीच करना यानी कि तोड़ना और प्राइवेसी ऑफ एनीवन, किसी की प्राइवेसी को, ऑफ डिपिक्शन, डिपिक्शन का होता है पोर्ट्रेयल, डिपिक्शन का मतलब होता है गाइस डिपिक्शन, डिपिक्शन का मतलब होता है एक तरह से किसी का कैरेक्टराइजेशन करना एक तरह से, ठीक है ना भाई, ब्रीच करना किसी की प्राइवेसी को या वुमेन के उसको कैरेक्टराइजेशन करना इन ए डेरोगेटरी मैनर यानी कि ऑफेंसिव या डिफेमेटरी मैनर। देखो क्या कहना चाह रहा है, किसी की प्राइवेसी को ऐसा दिखा करके, ठीक है, कि देखो एक्चुअली क्या है कि इस जजमेंट में दो दो प्रकार की दलीलें निकल के आ रही हैं। पहली दलील तो ये निकल के आ रही है कि जो कोर्ट है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इस प्रकार की टेप्स को जो है वो टीवी पे नहीं चलाना चाहिए या ब्रॉडकास्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो ये कि ब्रॉडकास्ट बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी फॉर्म में ब्रॉडकास्ट ही रहता है, या टेलीकास्ट, जिन शब्दों के लास्ट में कास्ट वर्ड आता है ना CAST, दे आर ऑलवेज सेम इन एनी फॉर्म, ठीक है, तो ब्रॉडकास्टेड ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ये ब्रॉडकास्ट ही रहता है इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जजमेंट जो आई है, ओमनीवर्स जजमेंट जो आई है, एक ऑर्डर जो आया कोर्ट की तरफ से, इसके दो पहलुओं को दिखाने की कोशिश की जा रही है, दो पॉइंट्स को दिखाने की कोशिश की जा रही है, दो फेजेस को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पहले तो गवर्नमेंट जो है वो ने गवर्नमेंट ने मतलब कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई वो गवर्नमेंट से पूछे कि भाई दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद दिखाए, ठीक है, और लोगों का ये भी कहना है कि या मीडिया हाउसेस का ये भी कहना है कि वो जो है मीडिया हाउसेस का ये कहना है एक्चुअली कि वो गवर्नमेंट को ना दिखा कर वो कोर्ट को ही दिखा दी ताकि वो उस पर जो है ना इंडिपेंडेंसी बने रहे, क्योंकि गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से करेगी। दूसरा पॉइंट ये जो सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा फ्लैग्रेंट बीच वाला, ठीक है ना, इसमें क्या है कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई ये किसी के मैनर, ये बड़ा ही डेरोगेटरी मैनर है यानी कि बड़ा डिफेमेटरी मैनर है, बहुत ही बदनाम करने वाला तरीका है, किसको, वुमेन को या किसी की प्राइवेसी मूवमेंट को दिखा करके। बट सेक्शन ऑफ द मीडिया एक जो मीडिया का एक जो एक वर्ग है, मे हैव कंसिडर्ड दैट देयर इज इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, टू ड्राइव इंटेंशन टू द फुलेज। भाई बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज का ऐसा मानना है या ऐसा सोचना है या ऐसा विचार करना है, कंसिडर करना, तो विचार करना होता है दैट ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है। रीज़न ये है कि कई मीडिया से मानते हैं कि अगर हम दिखाएंगे नहीं तो लोग अवेयर होंगे नहीं, ठीक है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए वो ये मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार की फुटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर होनी चाहिए, इवन इफ दे हैड नो इंटेंशन,
अगर उनके टू एयर इट। अगर एक बात और भी है कि अगर इस प्रकार की कोई न्यूज़ आती भी है ना, तो मीडिया हाउसेस बिना इंटेंशन के, उनकी इंटेंशन हो या ना हो, वो इसको एयर की ना करे बिना कितने दिन रह सकते हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, एयर का मतलब होता है गाइस, एयर एयर का मतलब होता है, एक तो हवा होती है, एक एयर का मतलब होता है गाइस टेलीकास्ट करना या ब्रॉडकास्ट करना। जब आपको एक दो दिन पहले जब मैंने ग्रुप में ये आर्टिकल भेजा था कल, तो फिर उसमें मैंने आपको ये लिखा था कि द आर्टिकल ऑफ दिस वीडियो विल बी एयर्ड ऑन टुमारो। ठीक है, तो ये चीज़ था। द ऑनस, ऑनस का मतलब होता है गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखना आप लोग। ऑन के साथ जब अस लग जाता है तो हमारे ऊपर क्या आती है, हमारे पे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑनस का मतलब क्या होता है, ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ऑनस इज ऑन द मीडिया आउटलेट्स, ये मीडिया हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शो डायरेक्शंस इन द डीलिंग विद सच लीक्स। कि वही वो इस तरह की ना जो लीक्स है ना, डील, देखो दो डील के साथ दो दो फ्रेज आते हैं, एक तो डील विद आता है, एक डील आउट आता है। डील विद का मतलब टैकल करना होता है, और डील आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना होता है। तो जो मीडिया हाउसेस को भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो इस प्रकार के लीक्स को टैकल करे, उसको तुरंत ना दिखाए, या उसमें से जो पहलू दिखाने वाला है, जो पॉइंट दिखाने वाला है, उन्हीं को दिखाए, अननेसेसरी या अननेसेसरी चीज़ों को ना दिखाए। ग्रेटर डायरेक्शंस मे बी वारंटेड फॉर पॉलिटिकल लीडर, स्पेशली दोज विद अ रिकॉर्डेड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी। ठीक है ना, डायरेक्शंस डिस्क्रिप्शन का मतलब एक तरह से वही भेदभाव या अलगाव, एक तरह से जो मैंने यहाँ पर लिखाया था ना डायरेक्शन, ये लिखवाया था मैंने आगे यहाँ पर डायरेक्शन वर्ड था, चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन वर्ड था, भेदभाव करना होता है वैसे, डिस्क्रिप्शन देख देता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन का होता है फ्रीडम टू एक्ट और जज, है ना। वारंटेड का मतलब जो है ना, देखो ग्रेटर डायरेक्शन मे बी वारंटेड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, भाई बहुत सारी जो है वो फ्रीडम जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को ऑलरेडी जो है ना मिलती है, मे बी वारंटेड होती है। वारंटेड का मतलब है वारंटी से वारंटेड बना हुआ है, तो मिलती है, स्पेशली दोज विद रिकॉर्डेड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी। ठीक है ना, एक्चुअली नहीं, बहुत सारे वारंट, बहुत सारी फ्रीडम जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है ना, नहीं मिलती है बेसिकली। वारंटेड का तो वारंटेड, वारंट वाला वारंट है, ठीक है ना, कि रोक लेना या होल्ड कर लेना, इस वारंट का तो यही हो गया। ठीक है, और स्पेशली उन लोगों को तो कतई इस प्रकार की फ्रीडम नहीं मिलती जो कि क्या होते हैं, जो कि पॉलिटिकल डिसऑनेस्ट होते हैं। फॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्लेम द पब्लिक इफ द एक्सपेक्ट द रॉस्ट ऑफ देम। ठीक है, ये बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है पब्लिक के लिए, और ये बड़ा ही मैं आपको बता, इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्लेम द पब्लिक, जनता पे मतलब कि दोष देना बहुत ही मुश्किल होता है इफ़ दे एक्सपेक्ट द रॉस्ट ऑफ देम। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से आप लोग, एक चीज़ और भी है यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग मैटर ये है गाइस कि फॉर जो है वो यूजली प्रेपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, क्योंकि देखो फॉर के आगे भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, और फॉर के बाद भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, और कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज तक देखो बुक्स में आपको ये चीज़ कभी नहीं मिल पाई कि भाई फॉर जो है वो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, फॉर जो है वो प्रेपोजिशन का भी, फॉर का प्रेपोजिशन तो मिल जाएगा लेकिन कंजंक्शन का नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ न्यूज़पेपर मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दें अपनी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दें, जितना आप सीखते हैं उससे ज़्यादा हमेशा सीखने की कोशिश करें, और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग इसको ईमानदारी से शेयर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें भाई, क्योंकि स्प्रेड आउट होगा तभी इंटरेस्ट आएगा, वरना इंटरेस्ट डाउन होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे और सीरियस कैंडिडेट्स को शेयर करोगे जो देखने वाले होंगे, तो वो उतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो उसको लाइक करो, उसको शेयर करो, और उसको जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवा सको, करवाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को नमस्कार, इसको देखिए, और आज का एड्रोल फिल आपको कल मिल जाएगा, उसको करेंगे फिर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।